सो गाइज, अभी जो है हम टेरेस पे जा रहे हैं और अभी मुझे बस देखना था कि डायमंड जो है वो कैसे स्टेयर्स पे चढ़ के टेरेस पे पहुंच जाता है। तो अभी हम डायमंड को यहाँ पे खोल रहे हैं और मैं ऊपर जाती हूँ और देखती हूँ कि डायमंड कैसे आता है। अरे डायमंड को तो बास्केट से निकालना ही, मैं भूल गई। अभी डायमंड को बास्केट से निकाल रही हूँ और बस देखना है कि डायमंड आता कैसे है। देखें इसको, नीचे जाता है या ऊपर आता है, ये देखें। देखें जरा इसकी स्पीड आप लोग, ये देखें कितनी तेज स्पीड से आ रहा है। इधर ना, इधर इधर आ जाओ, कहाँ जा रहे हो? आ जाओ आ जाओ। देखो वो आ रहा है, ऐसे ही डायमंड स्टेयर पे चढ़कर आ जाता है। आ जाओ डायमंड, स्टिक से डर गया डायमंड। डायमंड डायमंड जो है यहाँ पे ग्रास खा रहा है, देखिए पत्तियाँ कितनी शौक से खा रही है। देखें इसको आप लोग, ऐसे ही हमारा डायमंड जो है वो आ जाता है। बहुत प्यारा है हमारा डायमंड, माशाल्लाह से ना, देखो कितने प्यार से खा रहा है। आंखें बंद करके, नींद आ रही है इसको, मगर ये फिर भी खा रहा है। डायमंड को मज़ा आ रहा है टेरेस पे, तभी ना भाग आता है डायमंड बार बार टेरेस पे। डायमंड डायमंड तो एकदम शौक से आराम से खा रहे हैं, देखिए इसको कितनी पसंद है ग्रास। डायमंड नम 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 खा करके खा रहा है, देखिए इसको, देखें जरा इसको। डायमंड को हमने जब लाया था, डायमंड कितना छोटा सा था ना ये, ना अब डायमंड बड़ा हो गया माशाल्लाह से, बहुत शरारत, चल भी नहीं पा रहा था और अब तो दौड़ रहा है। नहीं ज़्यादा से ऐसे नहीं पकड़ते, बस ऐसे हल्के हल्के करते हैं, ठीक है। अब इसको खाने दो, जाने दो, नहीं बहुत प्यारा कर लग रहा है, छोड़ने का मन ही नहीं करता। एकदम रूई की तरह ये सॉफ्ट है, रूई की तरह ऐसा लग रहा है एकदम, देखो सो गया जैसे मैं एकदम सॉफ्ट स्किन छू रहा हूँ। सॉफ्ट बाल छू रहा हूँ, सॉफ्ट हेयर छू रहे हो, देखो ये भी तो डायमंड का ही हेयर है ना। अभी डायमंड यहाँ तो मज़े से अपने ग्रास खा रहा है और अभी मैं आप लोग को अपने प्लांट्स दिखा दूँ। ये देखें कितनी प्यारी सी कबूतर उड़ के गई है, बहुत ही प्यारी थी। और यहाँ पे जो हमने सनफ्लावर के पेड़ लगाए थे, मतलब सीड लगाया था हमने, और देखें ये सब में कीड़े लग गए हैं पत्ती में। कुछ ठीक हैं, अब देखते हैं कि ये बड़े हो पाते हैं कि नहीं। और ये तो माशाल्लाह से सभी बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हो यूनुस? मक्खी को मारा हूँ ताकि ये हमारे पेड़ को खाए ना। अरे नहीं नहीं ना करो, जाने दो। यहाँ पे ये देखें मिर्ची के छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं, और ये देखें इसमें भी पूरा फूल आ गया है। नहीं नहीं वो मिर्ची नहीं, वो ग्रास है, वो मिर्ची है, देखो ये छोटे छोटे। वाटरमेलन का है? वाटरमेलन अभी यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, देखो ये सनफ्लावर की है, ये हमने सनफ्लावर लगाया था ना। और आई थिंक ये टोमेटो का है छोटू सा, नहीं टोमेटो का नहीं, ये वाटरमेलन का है। वो वाटरमेलन नहीं, सनफ्लावर है। ये भी सनफ्लावर है? कितने सनफ्लावर है? ये सारे जो जो ये जितने हैं सारे सनफ्लावर है। ये मालूम नहीं, ये मुझे लग रहा है ना पत्ता है, गोभी पत्ता। गोभी का पत्ता नहीं होगा, पता नहीं क्या है, ऐसा ही लग रहा है। लौकी होगी या तो फिर करेला होगा, मालूम नहीं। और ये देखें हमारी जो दो अंजीर थी, अब माशाल्लाह से तीन हो गई हैं। यहाँ पे देखें एक दो तीन, यहाँ देखो ये पेड़ पर है अंजीर। अभी थोड़ी सी बड़ी हो जाए उसके बाद, ठीक है यूनुस, फिर यूनुस खाएगा।
और मीठी रहेगी। चलो अरे नहीं उसको मत तोड़ मत लेना, ये अनार है ना कि हाँ हाँ तोड़ना नहीं। लेमन, लेमन आपका लेमन का पेड़ तो नीचे गया था, अभी देखते हैं। नहीं ऑरेंज है ये। हाँ ऑरेंज है, मालूम है मुझे ऑरेंज है कि नहीं। ऑरेंज खा के देखा था, खा के देखे थे कैसा लगा था? बहुत खट्टा ऑरेंज जैसा, एकदम ऑरेंज जैसा। अरे डायमंड कहाँ गया? वो देखो डायमंड क्या कर रहा है, ये देखें, ये देखें आप लोग इस डायमंड की हरकतें, बस देखें आप, देखें जरा इसको। टेरेस पे आके सारा पेड़ खा जाता है। ये अब डायमंड ऐसे ही कर रहा है, अब मुझे देख लिया है ना, मेरे पास आ गया है। क्या हुआ? खाने के लिए। मुझे खाने के लिए? मैं टेस्टी हूँ क्या? मुझे खाओगी क्या? वो आपको आपको लीफ लग रही है। मैं इसको लीफ लग रही हूँ? हाँ डायमंड। और ये रहे हमारे रोज़ के, और ये देखे रोज़ सूख गया है तो हम इसको निकाल देते हैं। ये देखो सारे रोज़ के फ्लावर, ये भी नहीं फल आ रहा। अरे नहीं नहीं उसको रहने दो, अभी जब उसका टाइम होगा ना तब वो फलेगा। ऑलमोस्ट सारे जो है रोज सारा, हाँ देखो फ्लैग वहाँ पे हमारा, हमारे सारे जो रोज हैं सब खिल चुके हुए थे और सारी एनर्जी इनकी इसी में जा रही थी, तो मैंने फ्लावर को निकाल दिया। और अभी जो मेरा हाथ है वो एकदम रोज रोज स्मेल कर रहा है। लो यून से स्मेल करो, रोज स्मेल कर रहा है ना, रोज रोज हाँ। है ना रोज स्मेल कर रहा है ना, थोड़ा 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 कह दो पूरा पूरा। और ये देखें हमारा जो तुलसी का है, तो मैंने सोच रही हूँ ना कि थोड़ा सा तुलसी का और ये हम इकट्ठा करके, ठीक है पी लेना पहले इसको, हम जाते हैं और अपनी क्यारी में लगा देते हैं, क्या पता क्यारी में निकला है। इसको बड़ा टाइम लगता है निकलने में, बट जब निकलता है ना तो बहुत अच्छे से निकलती है। हाँ वहाँ पे भी तुलसी है, हमने तुलसी के जितने पेड़ हैं ना अपने घर में सिर्फ इस बीज से लगाए हैं। हाँ नो हाँ आ रही हूँ। लीफ आप तोड़ के स्मेल कर लो, और इसको हम जो है क्यारी में देते हैं। और अभी मैं ले ही जा रही थी इसको और मैंने देखा, ये देखे डायमंड को गमले के ऊपर ये जनाब चढ़ के पेड़ को खा रहे हैं। फ्लावर सारा नुकसान कर दोगे, डायमंड उतर जाओ नीचे। नहीं डायमंड जो है देखिए ग्रास खा रहा है, हमारा डायमंड शरीफ है कि हमारा डायमंड बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है। और अभी मैं ये क्यारी में लगा दूँ, यूनुस डायमंड को वहाँ से निकाल लो, देखो डायमंड खुद ही निकल आया मेरे पीछे पीछे। तो अभी हम इसको क्यारी में डालते हैं। ये जो बीज है ना ये तो पूरी क्यारी हमारी भर गई है पेड़ों से, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है तो इस थोड़े से स्पेस में बस हम इसको ऐसे स्प्रिंकल कर देते हैं। निकलेगा तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर नहीं निकलता है इसमें से पेड़ तो कोई बात नहीं, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं। फिर डायमंड उधर भाग रहा था, मैं पकड़ के लाया हूँ डायमंड को। हाँ डायमंड वहाँ भाग रहा था। कहाँ पे है? वहाँ पे जा रहा था, मैं पकड़ लिया। हाँ चल अच्छा है, वरना डायमंड नीचे गिर जाता फिर क्या होता, कहाँ मिलता डायमंड? कैट की तरह है, कैट लग रहा है, पर्शियन कैट। हाँ वाइट कैट, वाइट कैट की तरह। देखो आपके पास जा भी रहा है। अरे उसे डर मत, वो डर नहीं रहा है, वो शरारत कर रहा है। और डायमंड जो है अभी मस्ती कर रहा है यूनुस के साथ, और यूनुस डायमंड के साथ, यूनुस डायमंड को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और मैं अब इस वक्त झूले पे हूँ, झूल रही हूँ। सो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।